अरे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ ही होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, प्रेम ज्ञान एक ऐसा चैनल है जहाँ पर फ्री में NCERT का हर एक सॉल्यूशन, NCERT का एग्जाम्पलर का हर एक सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, विद फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, विद फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी कंसेप्ट दैट इज बीइंग यूज्ड इन एनी क्वेश्चन। तो आज हम चलते चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं और ये आप बड़े प्रेम से सीखेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 11 कहता है। एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो हैज। आपको बताना है कितने रूट होंगे। फोर रियल रूट होंगे कि टू रियल रूट होंगे कि रूट होंगे ही नहीं या वन रियल। मीन्स फोर ऑप्शंस आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड इट आउट। प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है, बड़े प्रेम से करना। देखो, आप जानते हैं कि यहाँ पे तो एक फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम वही लगा देंगे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू ए की जगह, एक्स स्क्वायर बी की जगह वन माइनस में एक्स स्क्वायर, समझ रहे हैं, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ये क्या यूज किया यहाँ पे, लिख देना भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी, नया ये क्या हो जाएगा, एक्स फोर, ये क्या हो जाएगा वन, ये क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये तो एक्स फोर है और इन दोनों से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू। अब प्यारे बच्चों, यहाँ से तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला रहा जहाँ पे मैं डी स्क्वायर बी स्क्वायर फोर ए सी, मतलब मुझे इस फॉर्मेट को क्वाड्रेटिक में चेंज करना पड़ेगा। क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो सर। आप एक्स स्क्वायर को आप वाई मान लेना, एक्स स्क्वायर को क्या मान लेना, वाई। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर और स्क्वायर देखूँ तो एक ही बात होगा, फोर, और एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा पीछे गया मैं, तो एक्स स्क्वायर को मैं क्या माना हूँ प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर को मैं मान रहा हूँ वाई। क्या मान रहा हूँ, वाई। सो आई राइट वाई ओवर देयर, तो ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा, वाई प्लस में वन इज इक्वल टू जीरो। समझ पा रहे ना? अब इसको जरा सॉल्व कर दो। ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर डिस्क्रिमिनेंट, क्या लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, जो डिस्क्रिमिनेंट है जिसको डी बोलते हैं, माइनस फोर ए, फोर ए सी होता है, तो फोर डी स्क्वायर, फोर ए की जगह क्या है पर बच्चों, यहाँ पे ए की जगह तो वन है, फोर ए की जगह अगर फोर ए और सी की जगह भी क्या है वन, तो इट मीन्स ये जो हम पा रहे हैं ये क्या पा रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, बी स्केयर, बी की जगह क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा, सॉरी है, बी स्केयर मीन्स वन का स्केयर माइनस फोर की, फोर ए की जगह वन और सी, वन माइनस फोर क्या आ जाएगा, माइनस का थ्री, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का थ्री, माइनस का थ्री इज लेस देन जीरो। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि भाई वाई स्केयर प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू, प्लस वन इज इक्वल टू जीरो जब नहीं हुआ तो इसका मतलब कि ये भी एक्स फोर प्लस एक्स स्केयर प्लस वन भी जीरो के बराबर नहीं होगा, एंड लास्ट में लिख देंगे इट हैज नो रियल। समझा नहीं प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है प्रेम की बात है, प्रेम ज्ञान आपको समझ में आ रहा होगा। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, और अपने माँ बाप के पैसों का हिसाब जरूर रखिए। पैसों के हिसाब का मतलब ये नहीं कितना कमा रहे, पैसों के हिसाब का मतलब ये है कि आपके जितना खर्च कर रहे हैं क्या आप उनका सही इस्तेमाल करते हैं, कि रील देख कर समय बर्बाद कर रहे हैं, वीडियो देख कर समय बर्बाद कर रहे हैं, आप खाली मोटिवेशनल वीडियो देख कर समय बर्बाद करते जा रहे हैं और सीखते कुछ भी नहीं। इसके ऊपर एक मैंने बहुत ही प्यारी वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, कि मोटिवेशनल एक फ्रॉड है, मोटिवेशनल
अच्छा और सच्चा कब होता है? जब आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आपके रोल मॉडल आपके माँ बाप हैं जिनको देखकर आपको। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, चौंधे, नमस्कार, गुड बाय, गुड नाइट।